आए? अरे इसको क्या हो गया भाई? आए क्या हो गया भाई? ससुरा कल तू छूटने वाला था, ये सब नाटक काहे को किया रे? क्या कहा? ये मुझे मालूम क्यों नहीं था? ठीक है चल वापस चल। हाँ चलो। अरे भैया ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग साबुन से डर गए, ये बात सुनकर हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँ, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोल भाई। एक नया साबुन भेजो, मुझे नहाना है। ए, भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। हार भी छोटा नमस्ते भी छोटा, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। उसके लिए पैसा लगेगा। मुझे जीके से मिलना है। कल जीके भाई के घर पार्टी है। तुझे क्यों मारा मालूम है? जीके को जीके भाई बोला इसलिए। लेकिन बोला तो इसने था ना। तुझे नहीं मार सकता क्या? आफ्टर ऑल जीके मेरा पागल छोटा बच्चा है, उसको दादागिरी धंधागिरी मैंने सिखाया है। फंक्शन का इनविटेशन है क्या? नहीं। इनविटेशन नहीं होगा तो मैं वहां जाऊंगा कैसे? हाँ सही बात है भाई। पेन और पेपर निकाल। ब्रह्मा भाई को जीके का नमस्कार। भाई शाम की पार्टी में तुम जरूर आना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लिख दिया? जी भाई। अब तो जाना ही पड़ेगा। सुन रहे भाई आया है, जीके को बोल जा रहे। ए जल्दी जाके बोल। जाबे गोवर्धन, बाल बच्चे तो ठीक है ना? मतलब तुम्हारी औरत मेरे बच्चे। अच्छा जोक है भाई। ये जीके का रिश्तेदार है इसीलिए सबका मजाक उड़ाता है। ए ब्रदर वेलकम वेलकम वेलकम। मूड हो गया इसके लिए आ गया क्या? अगर तुम्हारा मूड नहीं होता ना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता ब्रदर। अच्छा पहले मैं यहाँ पर आया लेकिन जीके को मैं नहीं दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। आप ठीक नहीं है ना भाई, इसलिए नहीं दिखाई दिए। ठीक ना बोला तो गोनी में बांध के फेंक दूंगा, समझ गया? क्यों रे कितना हैंडसम है तू, तेरी सुंदरता देखकर तो मुझे जलन हो रही है। ओलंपिक कॉन्टेस्ट होता तो फिर मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिला देता। क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस एरिया में मुझसे सुंदर कोई है क्या? भाई उधर देखो। लेट्स एंजॉय द पार्टी। ए वो खूबसूरत तो दिखता है लेकिन मुझसे सुंदर नहीं है। हेलो ब्रह्मानंद, जेल से कब छूटे? वहाँ खाना हजम नहीं हो रहा था क्या? ए भाई को दारू दो। मुझे सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए। ए भाई कोई नया ब्रांड मांग रहा है, देख लो। चलो ब्रदर। देखो मेरा नाम है ब्रह्मानंद और भागलपुर। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? किसी से नई पहचान बनाने का समय नहीं है क्या तुम्हारे पास? कोई पहचान वहचान नहीं करनी है भाई, यहाँ बहुत लोग हैं, उनमें से कोई टपक जाएगा फिर तेरे से पहचान कर लूंगा। मतलब मेरी पहचान एक आदमी के टपकने के बाद? हाँ। हंस वो रहा है, मुझे क्यों मारा? तो तू उसे ए मिस्टर, मैं एक टेस्ट बैट्समैन की तरह हूँ, जहीर खान से भी फास्ट बॉल फेंक रहा है तू समझा? अबे पका क्यों रहा है? क्या कहा? यू मीन मैंने पकाया? हाँ। ओके फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दूसरी बार भी बोलूंगा तो क्या कर लेगा तू? दूसरी बार भी बोलेगा? हाँ। ट्वाइस? ओके मैं झगड़ा नहीं चाहता। अच्छा? मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। इस एरिया में अगर मुझसे कोई सुंदर आदमी है तो वो इस पागल ने बताया वो तुम हो। अब तुम बताओ तुम सुंदर हो या मैं सुंदर? पागल ये नहीं रे तू है।
ये तुझे पागल बोला या मुझे पागल बोला मैं समझा नहीं। भाई उसने आपकी तरफ उंगली उठाई तो आपको ही पागल बोला ना। भाई मेरे सामने हिलो मत। हाय हाय श्रीशा। हाय श्रीशा। हे व्हाट्स अप हैविंग फन। भाई वहां देखो। शिरीशा डार्लिंग। ब्रह्मा डार्लिंग। या फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। याद है ना? उसे मैं भूल सकती हूँ क्या? ओ कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती सपने में दिखाई देती है। पर ये सब लोग उसे खूबसूरत क्यों बोले जा रहे हैं? क्या लोग है? उसका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया उसने? ओहो मुझे भी नहीं दिया। तब तो फिर जरूर होगा हम दोनों के बीच में लफड़ा। ये क्या शिरीशा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं था ना, इसकी क्या जरूरत थी? एक गाड़ी रोको, मुझे फ्रूट्स लेने हैं। भैया कैसे दिया एप्पल? 15 रुपए का एक है मैडम। ये एप्पल? वो 15 का है। वो एप्पल? वो भी 15 का है। ये एप्पल? अरे वो भी 15 का है। 15 का है बोल रहा हूँ ना मैडम। देखो भैया कल ही मैंने 14 रुपए में खरीदा था, तुम रोज 1 रुपए बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? चलो अब उधर से ही खरीदना फल। वो इधर से खरीदेगी तो मुझे बोलेगी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? लड़की चिपकती है तो मेरे को तकलीफ होती है। लड़की का चिपकना खराब कैसे होता है? फिर से चिपक फिर बताता हूँ। ब्रह्मा डार्लिंग तुम समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? समझ गया शिरीशा, एक्सप्लेन मत करो। ए मिस्टर, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट करूँ तेरी? यस। चल मर। जो मर जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बाजार से नया कपड़ा लेकर आते हैं, फिर बड़े प्यार से उसको ओढ़ाते हैं, उस पर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसके फोटो पर हार चढ़ाते हैं। चल मर जा। मर जाने को बोलता है? मुझे बीच में मत घसीटो ब्रह्मा। शिरीशा डार्लिंग हम लोग पब चलेंगे। चलेंगे ब्रह्मा डार्लिंग। हाय गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी बुद्धा नॉट अलाउड। बुद्धा इज नॉट अलाउड। ओके कम ऑन डार्लिंग। स्टूपिड। इसी को पब कहते हैं, तुमने पहले कभी देखा है? क्लब भी देखे हैं और पब भी देखे हैं, यहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। बोलते तो गुन्नों की तरह हो लेकिन हर बात में लॉजिक होता है। तुमने किसको पढ़ा है? इंसान को। हाय श्री। हाय। कम कम। हाय। यही है ना तेरा वो हैंडसम? जी हाँ। ज्यादा स्पीड है। सिर्फ स्पीड को नहीं माइलेज को भी मेंटेन करना चाहिए। तुम लोग बातें करो, आई विल जस्ट कम। हाँ तुम जाओ लेकिन जरा जल्दी आना। श्री तो आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन आपको इंटरेस्ट है या नहीं? मेरा इंटरेस्ट कुछ दूसरा है। शिरीशा बहुत अच्छी है जी। अच्छी है लेकिन एक चीज की कमी है उसमें। वो क्या है? अकल की। अब तो मुझे भी आप पर शक हो रहा है। कैसा? कि आप ही श्री से प्यार करते हैं। तुमने कैसे पहचान लिया? आपकी नजरों से। पार्टी खत्म हो चुकी है दोस्त। चुपचाप चलो डाले। हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए। वो कोई हीरो है? हीरो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? दिन दहाड़े डाका डाल के चोरी करूंगा,
बिना किसी के हाथ लगे बाहर आ जाऊंगा। मैं क्या हूं दिखा दूंगा। अरे भाई के पीछे रहो। ये डिजाइन दिखाओ इनको। दिस इज कृष्ण प्रसाद आईपीएस स्पेशल ब्रांच। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नो, मैं ही आपकी मदद करने आया हूँ। चार्ली नाम का एक इंटरनेशनल ज्वेल थीव। क्या, इंटरनेशनल स्मगलर? यस, उसने आपकी दुकान को लूटने का प्लान बनाया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। क्या कहा? झूले वो कहीं और पर नहीं है, आपके सामने है। मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए, वो जरूर मिल जाएगा। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ रखी सब चीजों को बैग में रख देने को बोलेगा। हाँ। आप चुपचाप रखकर उसे दे दीजिएगा। बाहर हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे, उसे रेड हैंडेड पकड़ेंगे हम। उसके बाद वो बैठकर जेल की दीवारें देखता रहेगा। हाँ। और आप बैठकर दुकान में सोना देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। बाहर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी से उसे बहुत डर लगता है। सब कुछ इसमें भर दो। ठीक है सर, तुम भी भरो। देख क्या रहे हो पागल, जल्दी भरो। दीवार की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है सर। अब 30 तक गिनती गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अरे भाई, तुम तो सच में हीरो हो। जो नहीं जानता उसे बताओ। चलो गाड़ी में बैठो। भाई जरा लेफ्ट में घुमा लीजिए, आगे ट्रैफिक है। ए, 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 गाड़ी रोक रहे। अरे बाप, कैच हिम। भाई भाई भाई, वो क्या लेके भागा? मेरी ब्रेसलेट और एक चेन। अरे भाई, एक कृष्ण प्रसाद आईपीएस उर्फ बसवा राजू, दोनों गेटअप में तू ही आया था, मेरे को मालूम था। अब मेरा सोना भी बच गया और सीसीटीवी में तुम्हारे आने से मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। नुकसान तुम्हारा हुआ, ब्रेसलेट गई, चेन गई, गाड़ी भी गई। अब तुम्हारे पीछे है ना पुलिस लग जाएगी, फिर तुमको अंदर डाल देगी। टोटली तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू चल रहे, बाय। पीछे मुड़ के देख, पुलिस आ रही है। पुलिस? अरे भाई, पुलिस? सब गायब हो गए। इतने दिमाग वाले होने के बावजूद तुम उस लड़की के जाल में कैसे फंस गए, सोचकर ही ताज्जुब होता है। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? आदमी को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लड़की को समझने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आंखें। और उसी लड़की की वजह से शहर के सारे गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी उस लड़की पर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी चालाकी मुझे बहुत पसंद आई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, तो भी मुझसे प्यार नहीं? नहीं, ये कौन बोला? अगर प्यार नहीं होता तो तुझे साथ लाता क्या? तू जीके के साथ क्यों रहती है मैं जानता हूँ। तुझे पैसा चाहिए, प्लस वो अष्टलक्ष्मी भी चाहिए। मेरे बारे में तुम इतना सब सोचते हो, मुझे पता नहीं था। तू बुलेट नहीं, मेरी मीठी मीठी चॉकलेट है। रमा डार्लिंग, शीर्षा, शीर्षा। क्यों रे ब्रह्मा, चोरों की तरह रोड पर क्यों भाग रहा है? मैं रोड पर भाग नहीं रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, पेट थोड़ा बाहर आ गया इसलिए। पुलिस जॉगिंग करने वालों के पीछे नहीं भागती रे झूठे। क्या तुम्हें भी पता चल गया? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी इंडिया को पता चल गया है। शिरीषा, तुम इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? जा नहीं रहे, हम लोग रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन हम उनको पकड़ेंगे कैसे? दिमाग से सब कर सकते हैं, थोड़ा जोर डालो बस। अष्टलक्ष्मी ने एक्टिंग की थी, उसकी फैमिली ने भी एक्टिंग की थी। एक बार उसकी फैमिली मिल जाए ना, तो हम लोग अष्टलक्ष्मी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, वो मोटू, वो नारायण, उसे तो मैंने रविंद्र भारती में देखा है। नाटक कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। वो लोग स्टेज पर अभी नाटक कर रहे हैं मैडम। वो लोग अभी शॉट में हैं मैडम। शूटिंग कहाँ चल रही है?
There are so many actors in this world. भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत से मंजे हुए महान कलाकार अब भी मौजूद है। And they changes colors like many others. और वो सब लोग हमेशा रंग बदलते रहते हैं। And they are eating grass for money. पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। And they are sinners. और वो लोग पापी हैं। Don't punish them. भगवान उन्हें क्षमा कर दीजिए। Don't punish them. और उन्हें सजा मत दीजिए। And they don't know what they are doing. वो ये नहीं जानते कि वो लोग क्या। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें क्या नहीं मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम बोला ना। नो माय सन, तुम्हें क्या नहीं मालूम है? माय लॉर्ड, ये बात आप उन लोगों को देखकर बोलिए ना। देख के बोलूं? वहाँ देखिए। कुछ नहीं मालूम। रन माय सन, रन फास्ट। आ रहा हूँ माय लॉर्ड, आ रहा हूँ। Stop here, my son. Yes, my lord. क्या हुआ? थक गए क्या? If we run anymore, अगर हम और दौड़े तो we get tired and we will easily call. हम थक जाएंगे और पकड़े जाएंगे। So we stop running here. इसलिए दौड़ने के बजाय हम रुक गए। अब जल्दी से बताओ अष्टलक्ष्मी कहाँ है? We don't know. हम नहीं जानते। पहले कहते हो कि श्राप दोगे, फिर सर फोड़ते हो दूसरों का। ए, तू चुप रह। लेडीज पर हाथ नहीं उठाओगे ऐसा बोला था ना? आज तक मैंने किसी लेडीज पर हाथ नहीं उठाया। देखा तुमने? ये हमेशा मुझे लेडीज ही समझता था ना? मुझे बीच में मत घसीटो। ए, तुम लोग जल्दी बताओ। We really don't know. हमें सच में नहीं मालूम। अब क्यों मारा तुमने मुझे? तूने बहुत सताया इसलिए मारा तुझे। कितनी बार और मारोगे? कितनी बार सताया तूने? कई बार सताया लेकिन याद नहीं। याद तुझे मैं करवाता हूँ। We know her flat address. मालाबार हिल, गोदावरी मिला। अरे वाह वाह वाह, मिल गया। एड्रेस मिल गया? क्रेडिट कार्ड का बिल। बोलिए सर, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर मैं तुझे सिर्फ देखूंगा। क्यों देखना चाहते हैं? खूबसूरत लड़की को क्यों देखते हैं तू जानता है? शादी करने के लिए। ये लड़की कौन है? क्यों पूछा? आप मेरी तारीफ करते हैं तो ये घूर कर देख रही है इसलिए। हर एक लड़की दूसरी खूबसूरत लड़की को देख कर जलती है, जेलसी। आप मेरी इतनी तारीफ करके मुझसे कोई खास काम करवाना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही खास। ये क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर है, लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ इतना जानना है। ये अकाउंट किसका है? हाँ, इसकी बेटी का। वो मेरी बेटी कैसे हुई जी? अरे वो भाग गई तो क्या हुआ? वो तेरी बेटी है ना? है। वो मेरी बेटी है। She is my daughter, my own daughter. जरा उसका नाम तो बताइए। क्या लिखा है इसमें? देखिए, मैंने MBA किया है। इतनी बेवकूफ नहीं। हाँ, थोड़ा करेक्शन है, ये दरअसल इनकी बेटी नहीं बहू है। हाँ, करेक्ट है, पहले बेटी थी अब बहू। करेक्ट है। करेक्ट है। वो लड़की इनके बेटे के साथ भाग गई थी, उस टेंशन में इनको अटैक आ गया था, अब जाके इनको अकल आई है, इसीलिए ये अपने बहू और बेटे को घर लाना चाहते हैं। करेक्ट? सब करेक्ट बता दिया तुमने। हाँ। डिटेल बिल्कुल करेक्ट है। झूठ तो नहीं है ना? तुमसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लास्ट ट्रांजैक्शन बैंकॉक में हुआ है, होटल रॉयल क्लिफ के अकाउंट। घटिया इंग्लिश बोल के हमें होटल में ले चल। ए मिस्टर, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। क्या बे, तेरा तो गियर ही बदल गया। गांव बदला तो गियर भी बदल गया। वो इंडिया था जहाँ वांटेड था, ये बैंकॉक, यहाँ बिंदास हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? You're looking good. Thanks, darling. Ouch. Oh. Who did it? इसने नहीं किया। क्या रे ब्रह्मा, मैंने मना किया फिर भी मारा? उसने मारा, उसका दुख नहीं है मुझे। फिर दुख ये है कि तेरी बोली ठीक थी, इशारा गलत था। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। Miss Priya is not in the room, sir. Thanks. We'll wait for her. ये इंग्लिश में भी बात करता है क्या? मुझे इन्वॉल्व मत करो ब्रह्मा डार्लिंग। यहाँ भी इन्वॉल्व नहीं होना है।
मिस्टर लक्ष्मी। ए, ऐसे बूट्स पहनकर तू नहीं भाग सकती, इधर आ। I'm so sorry. इतना सब करने के बाद सॉरी बोल रही हो, शर्म नहीं आती? बोलना तो आपको चाहिए था, ये बीच में क्यों बोल रही है? हाँ, तू क्यों बोल रही? हाँ, इस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? सॉरी बोला ना इसने। सिर्फ सॉरी बोलने से हो जाएगा? तो फिर इसे क्या करना ये बताओ। तुम्हारी फ्रेंड है ना? इसे रिमोट से चलाने वाली तू ही है ना? व्हाट नॉनसेंस, ये मेरी फ्रेंड नहीं है। हाँ, ये मेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है? इन्हें पता चल चुका है हम दोस्त हैं। क्या ये दोनों दोस्त हैं? ए तो चुप रह, तुम्हें कैसे पता चला? तेरा भाई राणा भाई का पैसा मारकर फंस गया था। उसने शिरीषा को बोला, शिरीषा ने तुझे मेरे बारे में बताया, शिरीषा ने तुझे चॉकलेट के सीन में उतारा, तूने नाटक करके मेरी मदद से अपने भाई को छुड़वाया। सही गाना? बिना ड्रामा किए तुमसे पूछने वाली थी, तुम्हारा दिमाग देखकर मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? तू जब पहली बार मुझे मिली थी ना, तभी तेरी पीठ पर टैटू देख लिया था। बाद में तुम दोनों को पब में बातें करते हुए देख लिया। तू यहाँ क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, टेक लाइट, डोंट वरी। उससे पहले मैंने तुम्हारे फ्लैट में तुम दोनों की फोटो देखी। सब मालूम था तो चुप क्यों थे? मैं तेरा मैटर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी तेरे भाई की फोटो सामने आई। 180 करोड़ का मैटर भी मेरी समझ में आ गया और मैंने तेरे भाई को बाहर निकाला। मेहनत करके बाहर निकाला, फिर भी तूने धोखा दिया मुझे, मेरा शेयर भी नहीं दिया। अरे यार ऐसा नहीं है, वो नंदा पैसे देगा तभी तो तुम्हारा शेयर दूंगी। और तुम्हें पता है, वो नंदा मुझे आज यहाँ मिलने वाला है। ये नंदा कौन है, कोई बड़ा डॉन है क्या? तुम दोनों के झगड़े में मेरा फायदा हो गया, इसे पकड़ने में तुम क्लू दोगी ये मैं जानता था, इसलिए मैंने इसके मुँह से खुद बुलवाया। वो मोटू नारायण, मैंने उसे रविंद्र भारती हॉल में देखा था। हमने सोचा प्लान हमारा है, पर प्लान तो इनका है। जानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन एक बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डार्लिंग, ए मुंह बंद कर, डार्लिंग डार्लिंग करता है, अपनी उम्र दे किसकी उम्र दे, पेट बाहर लटक चुका है, सर से बाल भी झड़ चुके हैं, चुम्मा लेने के लिए सीढ़ी लगाएगा क्या? ठीक ना कहीं का। करेक्ट, व्हाट यू सेड इज राइट। जब ये सोचा कि प्लान तुम बना रही हो तो तुम्हारे पीछे इसका प्लान था, जब सोचा कि दोनों का प्लान है तो इसका प्लान पहले से ही तैयार था, इसको पहले से ही इससे प्यार है। मैं ही बीच में जोकर हूँ, मेरा नसीब ही खराब है। ब्रह्मा डार्लिंग, डार्लिंग अब मत बोलो, अब किसी ने डार्लिंग बोला तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। ब्रह्मा डार्लिंग तुम चुप रहो, तेरा भाई कहाँ है?